अस्सलाम वालेकुम पार्टी को तो सीन कुछ ऐसा था, मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था अपने कि हम लोग जामा मस्जिद गए थे शॉपिंग करने मीना बाज़ार, तो वो यहीं से था। ये एक हिस्सा मैं आपको आप व्लॉग का शेयर कर चुकी हूँ ऊपर जामा मस्जिद का। तो ये हम नीचे आ गए थे, फिर हम लोग गए लंच करने अम्मी और मैं जवाहर रेस्टोरेंट। तो देखें आगे हम जा रहे हैं जवाहर रेस्टोरेंट लंच करने, कि हमने सोचा कि चलो जामा मस्जिद पर तो रश उस टाइम बहुत था, मीना बाज़ार तो हम नहीं जा पाए ना, वहाँ पे शूट कर पाए ना वहाँ का व्लॉग निकाल पाए। तो हमने कहा था कि हम चलो जवाहर रेस्टोरेंट चलते हैं, जामा मस्जिद गेट नंबर 1 के सामने ही आ जाएं और उल्टे हाथ पे आपको ये कल्लन स्वीट के आगे ही आपको जवाहर रेस्टोरेंट मिल जाएगा। तो हम लोग अम्मी और मैं पार्टी को गए जवाहर रेस्टोरेंट और हमने वहाँ का अल जवाहर गए और यहाँ का खाना और हमने ट्राई करा। तो इनका जो फर्स्ट फ्लोर है वो अभी काम चल रहा है, ग्राउंड फ्लोर ग्राउंड जो है बैठने का वो खाली है, फर्स्ट फ्लोर पर काम चला, रेनोवेशन हो रही है। और अम्मी और मैं सेकंड फ्लोर पर हम लोग बैठे थे, तो वहाँ पे बहुत इनका इंटीरियर बहुत अच्छा है और थर्ड फ्लोर तो इनका माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा है। नीचे बैठने वाला जो मुगलाई स्टाइल का सिटिंग है वो भी है। और आप लोग बहुत अपनी फैमिली के साथ आएँ फ्रेंड के साथ आएँ, रिजनेबल प्राइस है, इनके खाने की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और मुझे भी सच में इनका खाना अच्छा लगा। और इनका सिटिंग एरिया भी है, तो देखिए इनका रेनोवेशन चल रहा है फर्स्ट फ्लोर पर और सेकंड फ्लोर अभी तैयार है और थर्ड फ्लोर तो उसका तो कहना ही नहीं है। मैंने उस थर्ड फ्लोर पर भी जाकर रिकॉर्डिंग करी, आप लोगों को दिखाया है कि कितना लाजवाब इन्होंने सिटिंग बनाया है, बैठने का मुगलाई स्टाइल भी बनाया है, जो आजकल शाही महफिल में आप लोग बहुत आ रहे हैं वो इन लोगों ने भी अब बना दिया है। वो थर्ड फ्लोर पर है, ये देखें ये सेकंड फ्लोर है, उसके बाद थर्ड फ्लोर पे भी मैंने जाके रिकॉर्ड करी। हम लोग तो सेकंड फ्लोर पर ही, अम्मी से ज़्यादा चला नहीं जाता तो वो बैठ गई थी, तो हमने यहीं खाना ऑर्डर करा था। तो आप देखें आज आपको साथ अल जवाहर का पूरा रेस्टोरेंट और खाना शेयर करेंगे। हम तो ज़्यादा क्योंकि देर से ही निकले थे हम लंच करके ब्रेकफास्ट करके, तो हम लोगों ने तो हल्का फुल्का लंच ही करा था क्योंकि हमने स्ट्रीट से भी खाना कुछ कुछ ट्राई करना था। इसलिए जो इनकी हमें कुछ न्यू आइटम लगी, न्यू डिश लगी, वो हमने मंगवाई। वो देखें मैं आ गई हूँ, अम्मी नीचे रुक गई थी तो वो आ रही हैं अभी वालदा ग्रामी। ये देखें सामने से वालदा ग्रामी आ रही हैं, तो अभी हम ऑर्डर करेंगे खाने के लिए। वीडियो को पूरा देखिएगा, माशाल्लाह आपको बहुत अच्छा यहाँ का सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप आने का सोच रहे हैं तो मस्ट आए, यहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटी है और प्राइस भी इनके बहुत अच्छे हैं, बहुत कम है। ये नहीं है कि होटल देख के आप लोग घबराएं कि ये लोग पैसे बहुत काटेंगे, नहीं, पैसे इनके रेट बहुत रिजनेबल है, पैसे की फ़िक्र मत करें, आप अच्छा खाएंगे। और इनका बैठने का और इनकी जो वेटर सर्विस है माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छी है। और होटल इनका जो बना है ना, पहले वाला जवाहर अल जवाहर आपने देखा होगा, अगर आप लोग आ चुके हैं तो वो तो आप भूल ही जाइए। इस बार जो इन्होंने इंटीरियर डिज़ाइन करा है वो तो लाजवाब गज़ब का गज़ब है, आँखें खुली की खुली रह जाएंगी। अच्छा हमको सिखा दिया है। I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Oh,
पार्टियों और ख़वातीन हजरात मेरे साथ बने रहें इस व्लॉग में, वीडियो को लास्ट तक देखें। आपको थर्ड फ्लोर भी देख मैं दिखाऊंगी कि इन्होंने कितना अच्छा उसमें इंटीरियर और इस बार जो रेनोवेट करा है, कलर्स कॉम्बिनेशन और नीचे बैठने का जो सिटिंग है वो भी इन्होंने अपने थर्ड फ्लोर में दे रखा है। तो वो आपको अभी मैं इसी व्लॉग में दिखाऊंगी, तो आप लास्ट तक बने रहें और व्लॉग को और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, आपको मज़ा आ जाएगा। पार्टी आपको ख़वातीन और हज़रा आपको पता चलेगा कि पुराना अलजवाहर जामा मस्जिद गेट नंबर 1 वाला और अब जो न्यू है अल जवाहर, उसमें कितना फ़र्क आ चुका है, कितना बदल गया है। तो आप देखते रहें, बने रहें इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक। भाई आ जा, हमने तुम्हारे होटल के पूरे रिव्यू कर दिया है। बहुत तेज हो रहा है। मुझे इनका इंटीरियर बहुत अच्छा लग रहा है। देन होटल का इंटीरियर काफ़ी अच्छा है और अभी तो रेनोवेट हो रहा है ये काफ़ी हद तक। मैं आप देर हो रही है तो घर में बना के खा लेते जामा मस्जिद थी। जामा मस्जिद के जस्ट सामने है लजवार। तो आप आए तो लोकेशन जामा मस्जिद गेट नंबर 1 के सामने ही आपको अलजवार रेस्टोरेंट मिल जाएगा। मुगलाई फूड इज़ अवेलेबल ऑल्सो। जामा मस्जिद से आपका ये खाने का वेट इंतजार करते हुए वाइल्ड ग्रामीण को तो बहुत ज़बरदस्त भूख लग रही है। अब बताओ कुछ, अब बताओ इसमें क्या बताओ। जवान आई आज तो मेरी आवाज़ शुरू करो। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखा जी ने कल जवाहर में आई हूँ खाना खाने। खाने के साथ ही मैंने चिकन मंगाया, बटर चिकन दही वाला। अब ये घर जाके फिर खुद बनाएंगे। किसी में बनाऊंगी, पहले मैं जाके खाना खाती हूँ फिर बनाऊंगी। पहले रेसिपी चुराती हूँ। नहीं, मेरा तो टेस्ट अलग है, लोगों से बहुत अलग बना। पर आपको सारे जायके मसाले पता चल जाएंगे मुँह में जाते कि क्या क्या इसमें ऐड हुआ है। चलो मैं खाना खा के आपको फिर कंटिन्यू करती हूँ आगे। आप ही ला दिए इनको। ये इनका एक और सेपरेट पार्ट है जना, ये देख सकते हैं। ये होटल का इंटीरियर एंड लुक्स ऑसम सर। और इन्होंने जो आजकल मुगल ऑसम और ये मैं आपकी ब्लॉगर। ये इनका किचन है। ऊपर का तो और भी ज़्यादा खूबसूरत है। तो ऊपर के लिए बैठी हम मम्मी और ये हम सब कुछ खा खो के अपना
ख़त्म कर चुके हैं। जो असली होता है ये होता है बिल देने का, अगर आपको ये सौंप नहीं मिली तो समझ जाए पूरे पैसे खराब। रहा नहीं जाता तड़प ही नहीं है ना, काम चल रहा है यहाँ पे अभी तो बन रहा है काफी, वहाँ भी काम चल रहा था। यहाँ भी अब मेरी बुलंद जो थी मेरे यहाँ पोता हुआ, उनको लेकर आऊंगी। उनका पोता हुआ था ना, बिजी चल रही थी इसलिए खाना खाने आनी रही थी। कल वो मैं खाना वाना खाओ क्या टिप रख लिया आप? थैंक यू। और लेकिन एक ये फ्लोर अभी जिस पर काम चल रहा है रेनोवेट, अभी शन की हो रही है। दो सौ सत्तर था और बाकी अम्मी ने टिप दे दी। टैक्स वैक्स सफाई हेयर लगाना, मैं तो अपना इतना ही दिखाऊंगी। बाल देख रहा हूँ, तुम अपने शीशे में दिखाना चाहती हो? क्या बोला तुमने? नहीं पहले क्या बोला? चल चल चलो जाके इलाज करो आराम से आना। इधर आना सामने। मज़ा करता खाना तो? खाना अच्छा है, आराम से बैठ के खाओ। ये आगे कूल पॉइंट चाय टुकड़ा। अम्मी को कोल्ड ड्रिंक तो पिला दो। अम्मा चिस्ते सामने वाली लाइन में है। ये खाओ ही खानी चूला चमन दो कर देगा, दो गुलाब जामुन तुम हमारे साथ रात कर दे, हम भी ये चुन चुकी रहा। मैं सोच रही थी जवाहर से कम भाई निकाल दो बिल्कुल लेस। तुमने बताया मदर इंडिया भी मेरे ख्याल से इसी के साथ आज की मजबूरी यही खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक।